आज की हमारी दौड़ती भागती जिंदगी में हमारी पहली पसंद बन चुकी है इंस्टेंट। सबसे पहले हमारा काम हो जाए, जल्दी हो जाए, कम समय में हो जाए। हम कोई कठिन कार्य करने से बचते हैं, क्यों? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट, समय की दौड़ भाग इतनी ज्यादा हो चुकी है। आज मैं आपके सामने थोड़ा कठिन काम लेके आया हूं। नमस्कार, मैं पंडित विजय रावल एस्ट्रोटॉक से। आज मैं एस्ट्रोलॉजी से संबंधित एक ऐसी थोड़ी कठिन टास्क आपके सामने प्रस्तुत करने की इच्छा रखता हूं, जिससे आपको एक महीने में यदि आपने उस टास्क को कर लिया तो उस टास्क को कर लेने से 1 महीने में बहुत लाभ होगा। आपके आत्मबल बढ़ेगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, फोकस होंगे, टाइम मैनेजमेंट होगा, मन में शांति होगी और आपको अच्छा लगने लगेगा। आपकी समस्याओं में भी थोड़ा थोड़ा समाधानात्मक कुछ न कुछ उसका रास्ता सूझने लगेगा, दिखाई देगा। आपको अब वो टास्क किस तरह से करनी है मैं बताता हूं। आपको अपनी जन्म कुंडली में सिर्फ एक बात जाननी है और वो बात ये जाननी है कि आपकी जन्म कुंडली में आपका लग्न क्या है। आपकी जन्म कुंडली में आपका लग्न क्या है? 12 प्रकार के लग्न होते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 लग्न में से आपकी जन्म कुंडली में आपका लग्न क्या है, उस लग्न के ग्रह का एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो होती है, यदि आपने 1 महीने तक उस डायरेक्ट कनेक्टिविटी को आपने स्थापित कर लिया, ये मेरा उच्चारित किया हुआ मंत्र आपने कंठस्थ कर लिया, तो आप माने इस बात को पक्का कि 1 महीने में आपको आपका आत्मबल और एकाग्रता बहुत बड़ी में मिलेगी। अब इसको हम आरंभ करते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में मेष लग्न है तो एक मंत्र मैं बताता हूं। इस मंत्र को प्रतिदिन 11 बार आपको उच्चारण करना है। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांतिम समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्य हम ओम भौम भौमाय नमः। यदि आपकी जन्म कुंडली में मेष लग्न है, साथ में एक बात और है, यदि आपकी जन्म कुंडली में वृश्चिक लग्न है तो भी आप यही मंत्र का उच्चारण 11 बार करें। तो मेष और वृश्चिक लग्न वाले दोनों के लिए इसी मंत्र का 11 बार उच्चारण प्रतिदिन करना है। अब हम आते हैं दूसरे नंबर के लग्न पे, जिसमें हम 2 लग्न ले रहे हैं, वृषभ और तुला। यदि आपका लग्न वृषभ है या आपका लग्न तुला है तो इस मंत्र का उच्चारण आपको 7 बार प्रतिदिन करना है। हिमकुंद मणालाभम दैत्यानाम परम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्य हम ओम शुम शुक्राय नमः। इस प्रकार से मंत्र का जाप आपको 7 बार प्रतिदिन करना है। अब हम आते हैं तीसरे और छठे नंबर के लग्न पे, यानी आपकी जन्म कुंडली में यदि मिथुन लग्न है या कन्या लग्न है तो आपको इस मंत्र का उच्चारण 6 बार प्रतिदिन करना है। प्रियम गुकलिका श्यामम रूपेणाम प्रतिम्बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुध प्रणमाम्यहम ओम बुम बुधाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण आप 6 बार प्रतिदिन करें। तो ये राशियां हैं मेष, वृश्चिक, वृषभ, तुला, मिथुन और कन्या लग्न। ये 6 लग्न हमारे पूरे होते हैं। अब यदि आपकी जन्म कुंडली में कर्क लग्न है, 4 नंबर का लग्न है आपकी जन्म कुंडली में, तो उसके लिए मंत्र है दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदारणव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम ओम सोम सोमाय नमः। ये कर्क लग्न के लिए है। आपकी जन्म कुंडली में सिंह लग्न है तो सिंह लग्न के लिए आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। जपा कुसुम संकाशम काशपेयम महाद्युतिम तमोरि सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम ओम घृणी सूर्याय नमः। अब हमने 1 से लेकर के 8 वृश्चिक राशि तक हो गई है, हमारी वृश्चिक लग्न तक हमारे पूरे हो गए हैं। अब यदि आपकी जन्म कुंडली में 9 यानी धनु और 12 यानी मीन,
आपकी जन्म कुंडली में धनु या मीन लग्न है तो आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, देवानाम च ऋषिणाम च गुरु कांचनम सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का उच्चारण 9 बार करना है। यदि आपकी जन्म कुंडली में मकर या कुंभ लग्न है, 10 का अंक बीच में रखा है या 11 का अंक बीच में रखा है, 10 या 11 मकर लग्न है या कुंभ लग्न है, उस स्थिति में आपको इस मंत्र का उच्चारण 8 बार प्रतिदिन करना है। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम ओम शम शनेश्वराय नमः। इस प्रकार से ये 12 लग्न हम समझ गए कि मेष से लेकर मीन लग्न तक में कौन कौन से मंत्रों का उच्चारण आपको करना है। अपनी जन्म कुंडली के लग्न के अनुसार